व्यक्ति था, गांव में जितने भी झगड़े होते थे वो सुलझा लेता था। एक दिन गांव में कोई समस्या आई और कोतवाल को घर भेजा, और जैसे ही कोतवाल ने घर की दहलीज से पुकारा, चांद खा तो नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी आई और उसे गालियां देने लगी, जैसा तू वैसा ही चांद खा, ना काम का ना काज का दुश्मन है, तुम कहती हो ना। कोतवाल ने सोचा ये बड़े बड़े झगड़े निपटा देता है और इसकी बीवी इसे संभलती नहीं, और जैसे ही पंचायत हुई चांद खा भी आ गया, तो जैसे ही चांद खा उस पंचायत का निपटारा करने लगा तो कोतवाल कहता है तू नहीं बोलेगा मैं बोलूंगा, क्यों? गालियां सुन के आया था। चांद खा समझदार था, समझदार व्यक्ति सुनता है सबकी, बोलता था। तो कोतवाल कहता है जरा चांदिया बार चांद खा, न्या करे बतेरे, और उस बड़ी ने काट दिए जो सिर फोड़े से तेरे। मतलब गाय का पंचा थी, चांद का बड़ा फिरता है घर में तो पत्नी नहीं संभलती। चांद का समझदार था, मुस्कुराया और कहता है गरा चांदिया बार चांद का, न्या करे बतेरे, उस बड़ी ने काट दिए जो सिर फोड़े से तेरे, वाती गदी कुमार की रे हम थे काग मंडेरे, और पिछले जन्म के बदले का डन्यो सिर फोड़े मेरे। पिछले जन्म में गदी थी उसकी पीठ में फोड़ा था, मैं कौवा था, चोच गड़ा गड़ा के उसको परेशान करता था, और वो कराती थी, परेशान होती थी, लेकिन मैंने उसकी परेशानी को नहीं देखा। एक दिन चोच ऐसी दसी, वो कराती हुई गंगा में प्रवाहित हो गई, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण इस जन्म में मैं उसका पति बना हूँ, और वो मेरी पिछले जन्म में मैंने दुख दिए, इस जन्म में वाती गदी कुमार की राम थे काग मंडेरे, और पिछले जन्म के बदले का डे नू सिर फोड़े मेरे। तो निश्चिंत हो जाइए, जो मिला है कर्मों से मिला है, लेकिन जो कर्मों से मिला है उससे पार कैसे होना है। ऐसी कथाएं मुझे नहीं आती कि मैं आपसे कहूँ कथा में आओ आप सुखी हो जाओगे, बोलना पड़ेगा मारा नहीं, आपको बहकाना या मुझे चमत्कार करने नहीं आते। मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसी शिक्षा दी, ऐसा सत्संग, ऐसी कथा सिखाई। हाँ, दुख आएंगे जो प्रारब्ध में हमने किया है, लेकिन परमात्मा का भजन, परमात्मा की कथा, हरी कथा आपको हिम्मत देगी, परेशानियां आएंगी आपसे टकराएंगी और टूटकर चली जाएंगी, वो आपको बिखेरने नहीं देंगी, भागवत आपको भागने नहीं देगी, भागवत आपके चेहरों से दुखों को दूर कर देगी, परेशानियों को दूर कर देगी, ऐसा नहीं, परेशानियां आएंगी ये आपको मजबूत कर देगी।